इंग्लिश चल सीक्वेंस मेरे कौन को कौन सा हिंदी है? का है। बेटा आप जब डेट डेट शीट शेयर करोगे क्या व्हाट्सएप पे? ओके मैम शेयर कर देंगे। ठीक है, मतलब कि तुम्हारा बायो सबसे लास्ट में है ना? जो ठीक फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में, तो बायो लास्ट में, वैसे फिजिकल एजुकेशन लास्ट है। है, अच्छा फिजिकल एजुकेशन लास्ट। और बायो में जो इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स, बायोटेक के 2 चैप्टर्स और कौन से आ रहे हैं? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज भी, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, इवोल्यूशन। ये नहीं इवोल्यूशन नहीं है, बायोडायवर्सिटी आ रही है। हाँ, मतलब इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स हो गए, पॉपुलेशन वाले, इकोसिस्टम, कंजर्वेशन, और ये तुम्हारा लास्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये तो इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स हो गए, 2 हो गए बायोटेक्नोलॉजी के, 2 चैप्टर हो गए, तो हो गए 6 चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ डिजीज 7 हो गए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 7, और स्ट्रेटजी भी आ रहा है क्या? नो सर, नहीं। सर चलो, यानी कि यही चैप्टर अब तुम्हें मेनली बायो में पढ़ने हैं ना? तो देखो ध्यान से, शायद हमें कितनी क्लासेस मिलेगी पहले उस पर बात कर लो। शायद हम लोग क्लासेस कितने करेंगे, देखो बायोटेक हम कराएंगे, बहुत सारे बच्चे ने पहले भी किया है, लेकिन हम थोड़े डिटेल से करेंगे। ठीक है, डिटेल से करेंगे। तो बायोटेक में 2 चैप्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे 3 क्लास में 1 चैप्टर को, अगले 3 क्लास में अप्लीकेशन को कवर कर रहे हैं, तो 6 क्लास में बायोटेक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट बायोटेक हो गया। उसके बाद में इकोलॉजी के 4 चैप्टर है, यही है ना जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम चाहेंगे कि इकोलॉजी पे दे। तो उम्मीद करेंगे कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो उसमें 4 क्लासेस देंगे, इकोसिस्टम चलिए 3 क्लास, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 3 क्लास, इन्वायरमेंटल इश्यूज 3 क्लास, तो इतने में मेरे उनसे हो जाने चाहिए। फिर भी तुम पे डिपेंड करेगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, मतलब कि थोड़ा सा लेंगे, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पूरा कवर करेंगे, यानी तुम्हारा पूरा बोर्ड हम लोग कवर करने वाले, तो टेंशन नहीं लेना है। मतलब मान लो कि तुम्हें 0 आता है, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हमें सर अभी पूरा नहीं आता है, हमें 0 आता है, कोई टेंशन नहीं, हम 0 से 100 पे जाएंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, और जिन्होंने ने पहले से पढ़ा है उनका एक रिविजन हो जाएगा, यानी कि उनका एक नीट का भी क्वेश्चन बनते जाएंगे, बोर्ड तो हो ही रहा है। अब तुम्हें बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्लासेस इंपॉर्टेंट क्यों होते जाएंगे, 2-3 चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, नई चीजें। कुछ बच्चों को लग रहा है सर नीट हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा सोचना तो नहीं है। चलो ध्यान सुनो, तुम बच्चे नीट के लिए जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीज, लेकिन फिर भी बच्चा सबको उम्मीद होता है कि हम नीट ना करें तो दिल्ली के अच्छे यूनिवर्सिटी डीयू में आपका एडमिशन हो जाए। हाँ, सबका यही है ना कि हम ग्रेजुएशन में दिल्ली सर के लिए एक बेटे, छोटी इंडिया सी, के। छोटी सी अनाउंसमेंट है। अगर बेटा अगर क्लास 40 मिनट्स में एंड हो जाए ना, तो प्लीज रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? यहाँ से जाना मत। हाँ, इसी लिंक से रिज्वाइन हो जाएगा। ठीक, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग सुनते क्या है कि इंडिया के सबसे टॉप कॉलेजेस, और उसमें एडमिशन लेने के लिए कितना होना चाहिए बच्चा? 99%, कुछ होते हैं लेडीज राम में इतना चला गया, हंसराज में इतने चले गए, 99। तुम सोचो सर 99 तो मेरा कभी लाइफ में आना नहीं, तो सर मेरा तो कभी एडमिशन होगा ही नहीं, तो क्या हम डीयू के बेस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ सकते क्या? कुछ कॉलेज में तो मिल ही जाएगा आप, लेकिन बेस्ट में नहीं पढ़ सकते क्या? तो इस बार गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, मालूम है सभी को, इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मार्क्स बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा, यानी कि अगर तुमने सीबीएसई में 97-98% मार्क्स गेन किए हैं, तो जरूरी नहीं बच्चा कि तुम्हारा डीयू में एडमिशन हो, यानी कि बोर्ड का मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। पहले थे सर डीयू में कैसे एडमिशन होगा, तुम बोलते थे बोर्ड में मार्क्स लाएंगे, डीयू में अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, तो वो तो अब गया, क्योंकि अब आ गया है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मालूम है सबको, इस साल जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए आपको एक फिर से एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट देने पड़ेंगे, जैसे कि नीट के लिए आप देते हो ना, तो बोर्ड के मार्क्स का वैल्यू कम हो गए, तो अगर तुम्हारी तैयारी बच्चा थोड़े से भी कम हो जाते, थोड़े मार्क्स कम हो जाते, फिर भी तुम इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें मेनली बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करना है,
और ये जो इंट्रेंस का पैटर्न होगा वो नीट से मिलता जुलता होगा, जैसे नीट में एमसीक्यू का क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होगा। इसके लिए अभी काफी हंगामा भी चल रहा है, और इस वीक में एक क्लेरिफिकेशन आ जाए, मतलब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हम लोग एग्जाम से लेंगे आपका एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इंद्रप्रस्थ हो, जामिया हो, जो भी हो, जो भी हो, इंडिया के टॉप कॉलेज में ग्रेजुएशन अगर करना है, फिजिक्स ऑनर्स करने है, किसी को जूलॉजी ऑनर्स में इंटरेस्ट है, किसी को केमिस्ट्री ऑनर्स पे करना है, नहीं सर मुझे तो सिविल सर्विसेज करनी है, तो मुझे सर रिसर्च में करना है, बायोटेक में करनी है, मुझे लाइफ साइंस करना है, तो बच्चा आपके लिए अब इंट्रेंस ही करोगे, और इंट्रेंस में मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटर है बच्चा कि आप जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ एमसीक्यू भी बनाना है, तभी तो आप कॉमन इंट्रेंस को भी क्वालिफाई करोगे। बोर्ड तो आपका हो ही रहा है, बोर्ड तो हो रही है बच्चा, बोर्ड तो आपका हो ही रहा है ना, तो आप नीट का लेवल तैयारी कर रहे, उसी पैटर्न पे आपको एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारा पढ़ाने का मेन मोटो होगा बोर्ड आप कीजिए, साथ साथ बच्चा नीट लेवल का भी क्वेश्चन होते जाएंगे, और इंट्रेंस जो दे रहे हो ना, तो टेस्ट हर वीक दे रहे हो संडे को, उससे बच्चा बेनिफिट यही मिलेगा कि तुम जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आसानी से हो जाए, एक तो ये। तो आपको बच्चा अच्छे से करना, केवल थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से पढ़ना है। तो आज हम लोग बायोटेक में चलेंगे, और तुम लोग जैसा गाइड करोगे कि बायोटेक में कहाँ कहाँ इश्यू है, फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम अप्लीकेशन वाला ही प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है वो बताओ, तो उसमें हम लोग क्या क्या डाउट्स है, एक क्विक रिविजन भी करेंगे, एक रिविजन तो हम लोग करेंगे ही, जहां पर तुम्हें डिफिकल्टी लगती है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। चलो एनी सजेशन और कोई है तो मैसेज में दे सकते, चलो स्टार्ट करें हम लोग, बोलो फटाफट। तो क्या हम लोग बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं? चलिए यस सर। ठीक है, अब देखिए हम पूरा करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं कि जल्दी में हम लोग भगाएंगे, नहीं, मैंने बजाबता आपके लिए यहाँ पर देखिए मैंने पूरा चैप्टर रखा भी है कि हम पूरा एनसीईआरटी कवर करने वाले। मैंने बोला ना, अगर मान लो तुम्हारे पास जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं, चैप्टर का मीनिंग को समझो, बायोटेक का मीनिंग क्या है, ध्यान सुनिए, बायोटेक को सिंपल से मीनिंग है बच्चा, देखिए ध्यान सुनो, तो बायोटेक का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी आपके माइक्रोब्स है, यानी कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म्स है, माइक्रोब समझ में आ रहा है, जिसे आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, तो जो भी माइक्रोब्स है उसके आपके लाइफ में क्या यूज है, उससे फायदे क्या है, तो जो भी लिविंग माइक्रोब्स हैं उनसे आपके लाइफ में क्या बेनिफिट है, इसी बेनिफिशियल प्रोसेस को, उसके फायदे को हम बायोटेक कहते हैं। जैसे कि बच्चा आपने सुना होगा बचपन में फर्मेंटेशन बनता है, अल्कोहल बनते हैं, फर्मेंटेशन सर कैसे होता है, तो आप सभी लोगों को बताया गया होगा कि फंगस होता है बच्चा ईस्ट, उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जाइमेज, नाम सुना है आपने, तो ये ईस्ट अपने एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, जो ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है ना, उस ग्लूकोज को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, इथाइल एल्कोहल में, C2H5OH में, इसे आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। सिंपल, दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये दही बनाता है आपके लिए यूजफुल है, चलिए भाई, तो ये भी बायोटेक का पार्ट है। तो जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, आपके लाइफ में जो भी यूज है उसके, उससे कुछ एंजाइम्स निकल जा रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चा, बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन बच्चा ये ओल्ड बायोटेक है, ये बच्चा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, तो सर न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हमने ये तो समझा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का अपने लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं, वहां से एंटीबायोटिक्स निकाल सकते हैं, वहां से अल्कोहल बना सकते हैं, वहां से और बहुत से सिट्रिक एसिड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं ना, तो अपने लाइफ में जो भी यूज है, बायोटेक का पार्ट हो गया। लेकिन न्यू बायोटेक कहता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करें कैसे भाई, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में कुछ जीन्स को इंजर्ट कर दे,
यानी कि कोई आपके अंदर में जीन है, डीएनए है, उसे हम बैक्टीरिया के अंदर में डाल दें। ये देखिए, ये आपके पास डीएनए था, ये यूजफुल कोई डीएनए है, उसके पार्ट जीन कहते हैं। तो ये मान लीजिए जीन नंबर ए है, आप इसे बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिए। तो बैक्टीरिया के अंदर जब आप इंसर्ट कर दीजिएगा तो बैक्टीरिया का जैसे जैसे डिवीजन होगा, बैक्टीरिया का हम मल्टीप्लीकेशन कराए, बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो कराए, तो बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होगा, नंबर बढ़ेंगे, तो ये जीन का भी मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा, जीन भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस जीन से कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। मान लो ये जीन था इंसुलिन बनाने वाला, तो हम बच्चा इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मान लो ये जीन था जिससे कि आप एंटीबायोटिक्स बना सकते थे, तो हमने वो जीन बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो करे, तो बैक्टीरिया लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करेगा ना। या मान लीजिए बच्चा, आजकल हम लोग नाम सुन रहे हैं वैक्सीन, कितने सारे वैक्सीन पे हम लोग काम कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे लार्ज स्केल में वैक्सीन बनाना है तो हम क्या करें भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का यूज कर ले और बैक्टीरिया के हेल्प से लार्ज स्केल में वैक्सीन का फॉर्मेशन कराएं। तो हमें आज न्यू बायोटेक को ही आप कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। न्यू बायोटेक को ही क्या कहते हैं बच्चा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिंपल सा होता क्या है? तो आपके एनसीईआरटी ने यहाँ पर बच्चा कुछ वर्ड दिया है, कोहेन एंड बोयर का एक्सपेरिमेंट। आप सभी ने नाम सुना है बच्चा, कोहेन एंड बोयर, उन्होंने पहली बार एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के दिखा। सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते क्या? देखिए भाई, यानी कि आपके अंदर बच्चा, आपके अंदर मान लो बच्चा, आपके हाथ को कट करके किसी और जानवर का, टाइगर का जोड़ दिया। आपके अंदर में मैंने टाइगर का आर्म्स को जोड़ दिया, उसके पार्ट को कट के आपके अंदर जोड़ दिया, तो क्या आप रिकॉम्बिनेंट नहीं होंगे? तो इन्होंने पहली बार पूरे वर्ल्ड वाइड एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहे, इसलिए सबसे फेमस साइंटिस्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो अलग अलग तरह के डीएनए को आपस में जोड़ करके सिखाया। सर कैसे? एनसीईआरटी बच्चा इसके बारे में दो पेज गिवे ने, हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बच्चा एक अननोन बैक्टीरिया ले लिया। देखिए, अननोन मैंने लिखा, यानी कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया का नाम नहीं है कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, किसी नहीं ने मालूम। इंटरनेट पे भी रिसर्च करोगे, इस बैक्टीरिया का नाम नहीं है, उन्होंने बस बोला इस बैक्टीरिया के अंदर से। तो इस अननोन बैक्टीरिया के अंदर में ये देखिए डीएनए था, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो ये डीएनए के अंदर में ये जो पार्ट था, जीन था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। सर ये क्या होता है, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक से अपने आप को बचा सके। यानी तुम बैक्टीरिया को मारना है तो मारने के लिए तुमने क्या डाला, एंटीबायोटिक्स। लेकिन बैक्टीरिया अपने बचाव में कुछ ऐसा केमिकल बनाता है जिससे वो एंटीबायोटिक से लड़ सके, अपना बचाव कर सके। तो कैसे करेगा सर, कुछ केमिकल बनाएगा, तो उस केमिकल बनाने वाला कोई जीन होगा, तो इसी को मैं कहता हूं, इस जीन को मैं कहता हूं एंटी मतलब अगेंस्ट बायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सर ये कौन सा बैक्टीरिया है, अननोन है बच्चा, नहीं माना, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ना कहीं बुक में है, ना कोई इंटरनेट पे, अननोन को बैक्टीरिया ले लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, बोले ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान से, अब उन्होंने यहां पास, ठीक है, एक दूसरा बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम था सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, एक दूसरा बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम था बच्चा सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये याद है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये वाला है बच्चा एस, सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पहला वाला बैक्टीरिया था, मान लो बच्चा एक्स नाम का था, अन्य, वहां से उन्होंने एंटीबायोटिक्स जीन को निकाले, वहां से आइसोलेट किया, क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाल लिया, और यहां से उन्होंने सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को निकाल लिया, उन्होंने सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को निकाल लिया, बोले ठीक है। सर उन्होंने आखिर वो जीन को काटा कैसे, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोल रहे हो, सर उन्होंने काटा कैसे,
तो यहां पास उन्होंने एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम एनसीईआरटी में बचा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। सीजर मतलब बच्चा कैची, कैची जो काटता है। तो हमने डीएनए को काटने के लिए कुछ एंजाइम यूज किए, इस एंजाइम से हमने कट किया और डीएनए को बाहर निकाल लिया, उस जीन को बाहर निकाल लिया। अब हमने इस दोनों को जोड़ दिया, एक रिकॉम्बिनेंट बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो देखिए, ये हमने सेलमोनेला टाइफीम्यूरियम का मैंने ले लिया प्लाज्मीड, उसके अंदर में मैंने ये जोड़ दिया एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्शन जीन, क्या बच्चा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। देखिए, हमने किसी बैक्टीरिया से निकाला एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्शन जीन, सेलमोनेला टाइफीम्यूरियम से निकाला हमने प्लाज्मीड, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या मैं इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह सकता हूं। देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बच्चा कई सारे नाम भी आप दे सकते हो, जैसे इसे आप हाइब्रिड डीएनए कह सकते हो, हाइब्रिड डीएनए कह सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग डीएनए को आपने जोड़ दिया। ठीक है, या इसी को बच्चा शॉर्ट में आर डीएनए कह सकते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है बच्चा आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं ना, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कहीं कहीं पे बच्चा नीट के पेपर में ऐसा वर्ड मिलेगा, काइमेरिक डीएनए, अलग अलग डीएनए को दोनों को जोड़ दिया तो नाम पड़ा काइमेरिक डीएनए। सर, जोड़ कैसे पाए, अपने आप जुड़ जाएगा क्या? नहीं। आप बताइए, जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है, कोई बच्चे को याद है? तो सर, उसका नाम है डीएनए लाइगेज, लाइगेज। करेक्ट है लाइगेज। बच्चा, हाँ बच्चा एकदम करेक्ट है, डीएनए लाइगेज। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है तो दो चीज मस्ट है, एक तो पहले डीएनए को काटने वाला एंजाइम चाहिए, ये मस्ट है, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, फिर डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम मस्ट है बच्चा, डीएनए लाइगेज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनेगा तो एंजाइम जरूर। अब उन्होंने क्या किया, अब एनसीईआरटी कहता है बच्चा कि ये हमने एक ले लिया इकोलाई का, हमने एक बैक्टीरिया ले लिया बच्चा जिसे कहा होस्ट, एनसीईआरटी बच्चा कहती है इसे होस्ट, ये कौन है बच्चा, इकोलाई। सर, इकोलाई क्यों लिया, इकोलाई उन्होंने लिया क्यों लिया बच्चा, ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा कि उन्होंने इकोलाई लिया क्योंकि वो सेल्मोनेला टाइफीमीरियम से मिलता जुलता था ना, दे रिजम्बल, एनसीईआरटी ने बोला दे आर रिजम्बल, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो उन्होंने इकोलाई का ले लिया और उस इकोलाई के अंदर में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। तो इस ट्रांसफर करने के प्रोसेस जिसके अंदर हम डीएनए डालेंगे वो बच्चा होस्ट हो गया, और हमने ट्रांसफर कर दिया तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ट्रांसफर कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बात, अब ये इकोलाई क्या करेगा बच्चा, तेजी से डिवाइड करता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए बच्चा, बैक्टीरिया के कई सारे कॉपी बनने लगे, बैक्टीरिया के कई सारे कॉपी बन रहे, लेकिन अब एनसीईआरटी आपकी कहती है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्यों, क्योंकि जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उनमें अपने रेप्लिकेशन की खुद की पावर है। सर कैसे, क्यों अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपना नंबर कैसे बढ़ा लिया? सर ध्यान सुनिए, क्योंकि उनमें स्पेशल साइट है जिसे कहते हैं बच्चा ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जिससे अपने डीएनए को खुद से वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे डीएनए का नंबर बढ़ रहा है और बैक्टीरिया का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो धीरे धीरे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बच्चा मल्टीप्लाई होते जा रहे। देखा, अभी कितने थे बच्चा, 1 थे, अब धीरे धीरे कितने हो गए, 8 हो गए। तो धीरे धीरे यहाँ पर नंबर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नंबर बढ़ रहा है। तो इसी टॉपिक को बच्चा कहेंगे जीन क्लोनिंग। आपके पास एक जीन था, आपके पास में ये नीला वाला जो है बच्चा, ये नीला वाला जो जीन था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एक थे ना, आपने उसे निकाला और आपने किसके साथ जुड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ। अब वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, उसे आपने इकोलाई में डाला, इकोलाई में जाके अपना मल्टीप्लीकेशन कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर में अपने आप रिप्लिकेट करने की पावर थी, दे हैव ओन ओआरआई साइट,
ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट, जिससे नंबर बढ़ने लगे तो तुम्हारे जीन की कई सारे कॉपीज तैयार हो गए। इसी टॉपिक को एनसीईआरटी कहता है बच्चा जीन क्लोनिंग। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? जीन क्लोनिंग, जीन के कॉपी बन जाना, जीन का मल्टीप्लीकेशन हो जाना। बच्चा आप मून पे गए और पता चला एक साल में आपकी जगह 100 लोग बन गए, तो हम बोलेंगे भाई आपका क्लोन बन गया है, आपका क्लोन बन गया, आपकी कॉपीज बन गए हैं। तो जो जो आपके डीएनए को, जिसे हम बच्चा आपका ये था कौन सा जीन था, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, तो इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को बच्चा हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसी पे आपको इंटरेस्ट था काम करने के लिए, इसी का आप क्लोन बनाना चाहते थे। लेकिन ये आप जीन डायरेक्टली होस्ट में नहीं डालिएगा, अगर डायरेक्टली डाल दिया बच्चा तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अपना कॉपीज नहीं बनाएगा, फिर फायदा क्या होगा। इसलिए इस डीएनए को ले जाने के लिए कोई वेक्टर चाहिए, तो आपका जो प्लाज्मिड था सैल्मोनेला टाइफी मीडियम का, तो बच्चा काम क्या करेगा, वेक्टर के तरह। वेक्टर मतलब बच्चा ढूंढना, जो एक जगह से दूसरी जगह लेते जाएगा। तो आपका डीएनए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, उसमें वेक्टर डीएनए जुड़ गए, बन गया रिकॉम्बिनेंट, और वो वहां तक पहुंचा देगा, कहां तक, होस्ट तक। तो जो ले करके जाएगा उसे हम वेक्टर डीएनए कहेंगे। क्या बच्चा 100% सभी को कहानी समझ में आ गई? ये कोहेन एंड बोयर का एक्सपेरिमेंट था। बोलो फटाफट हैंड रेस करो किसी किसी समझ में आ गया, क्योंकि ये बच्चा पढ़ता तो है समझ में नहीं आते एनसीईआरटी। बोलो फटाफट सभी लोग हैंड रेस करो, ठीक है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी ने इसी को बच्चा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है, एनसीईआरटी में है लेकिन थोड़े से लैंग्वेज का इश्यू है, तो ये मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं पढ़ रहा हूं बच्चा, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ना आराम आराम से चलेंगे, टाइम ज्यादा लगे, 2-3 क्लास एक्स्ट्रा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीखना, ठीक है। और बच्चा नीट में इस बार 9 क्वेश्चन बायोटेक से आए थे, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, 9 क्वेश्चन, यानी 9 × 4 = 36 नंबर। अगर तुम्हें बायोटेक अच्छे से कर लिया तो 7, 8, 9 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। चलिए, लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल। ये बच्चा नेचुरल अपने आप थोड़ी ना बना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए साइंटिस्ट ने बनाया, तो इसे आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग। ये पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए दुनिया में आया कैसे? शायद पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग ऑफ ए जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ये कहां से निकाला गया बच्चा? नहीं मालूम, मैंने बोला है ये सोर्स कौन था एनसीईआरटी में नहीं दिया है, किसी बुक में नहीं है, ना कोई इंटरनेट पे है, कहीं नहीं है बच्चा, बस बोला है कि किसी बैक्टीरिया से निकाला गया, सोर्स नहीं है बच्चा। विद नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा प्लाज्मिड के बारे में, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बोलिए ये क्या है सर, ये वर्ड समझा दो, हमें एनसीईआरटी का वर्ड समझने है। तो देखिए भाई ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, इसके अंदर ये मेन डीएनए, ये बच्चा मेन डीएनए, ये मेन डीएनए है, ये मेन क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम या डीएनए के अलावा, इस डीएनए के अलावा कुछ और सर्कुलर शेप के बच्चा, सर्कुलर शेप पहले याद रखना है, ये शेप कैसा हो गया सर्कुलर शेप का, ठीक है। ऑटोनोमसली कहने का मतलब है ये अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता, अपना कॉपी बना सकता, देखिए अपना कॉपी बना लिया। ऑटोनोमसली कहने का मतलब है इसे मेन डीएनए पे डिपेंड नहीं, खुद से ये अपना कॉपी बना सकता है, ऑटोनोमस, आगे बात समझ में, खुद से अपना कॉपी बना सकता है। और ये मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा में ये डीएनए है, तो इसी को कहते हैं बच्चा एक्स्ट्रा, मेन डीएनए के एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, आगे बात समझ में। इसी को आप कहते हो बच्चा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया, अब बताइए शेप कैसा है, सर्कुलर। डीएनए कैसे होंगे बच्चा? दुनिया में हर डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, दुनिया में कहीं भी डीएनए पूछा जाए ना, डबल स्टैंडर्ड। कुछ वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ऑटोनॉमस खुद से रेप्लीकेट करना। चलिए, तो ये आपको एनसीईआरटी में प्लाज्मिड का वर्ड आ गया, सर्कुलर नेचर बता दिया, एक्स्ट्रा डीएनए बता दिया, ऑटोनॉमसली समझ आ दिया बच्चे। ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, कोहेन एंड बोयर ने पहली बार ये किया।
accomplished this in 1972, आज से बच्चे 50 ईयर बैक, पूरे 50 साल, आज 2022 है और ये हुआ 72 में, आई थिंक बच्चा पूरे 50 साल. By isolating the antibiotic resistant gene by cutting out piece of DNA. सर कहां से? तो उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाला, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंफर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. समझ लीजिए, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो ये भी समझा देता हूं. ये देखिए ये बैक्टीरिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के ऊपर में एक बच्चा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाला, एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक डाला, जैसे ही डाला बच्चा ये मर गया, ये मर गया, सारे बैक्टीरिया मर गए. क्यों? एंटीबायोटिक्स का नाम में लिखा बच्चा, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया. तो आप जब भी बीमार पड़ते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या लिखता है, एंटीबायोटिक्स खाया, जैसे एंटीबायोटिक्स खाए बैक्टीरिया मर गया, आप बीमारी से बच गए. तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है. तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए, देखिए ध्यान से, इवोल्यूशन ये बच्चा, अब बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए, उसके पास प्लाज्मिड थे, उसके पास बच्चा प्लाज्मिड थे, यहां भी प्लाज्मिड था बच्चे, यहां भी प्लाज्मिड थे, यहां भी प्लाज्मिड थे, लेकिन वो मर गए. लेकिन ये ए नाम का बैक्टीरिया है, ये बी नाम का है, ये सी नाम का है. तो कुछ बैक्टीरिया ने अपने प्लाज्मिड के अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डेवलप कर ली. सर कैसे? इवोल्यूशन बच्चा, कुछ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन मतलब बदलाव, चेंजेस, और उससे ऐसे जीन्स डेवलप हो गए जो एंटीबायोटिक से लड़ सकते थे. तो देखिए यहां पर मैंने तीन बैक्टीरिया लिया है, तीन बैक्टीरिया में से बी नाम का बैक्टीरिया है जिसके पास में क्या है बच्चा, एंटी मतलब अगेंस्ट बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन. सर कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है? तो सर एम्पीसिलिन से लड़ने वाला, इसलिए इसके जीन का नाम है बच्चा AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है. क्या ए में है? नहीं. सी में है? नहीं. अब मैंने इसके ऊपर में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स डाला, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स डाल दिया. तो जैसे ही मैंने एम्पिसिलिन डाला, ए नाम का मर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन से लड़ने वाले जीन नहीं, सी वाला मर जाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन से लड़ने वाले जीन नहीं, लेकिन बी बच गया. सर कैसे, कैसे बच गया बी? एम्पिसिलिन बच्चा एंटीबायोटिक्स है, वो बैक्टीरिया को मारने के, तो जीन क्या करते हैं, जीन क्या बच्चा, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन, और प्रोटीन ने कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाए, ये प्रोटीन ऐसा एंजाइम्स बनाया जिससे एंटीबायोटिक्स को तोड़ दिया. तो जैसे ही उसे मारने के लिए अंदर गया, इस एंजाइम ने एंटीबायोटिक्स को तोड़ दिया, ना रहेगा एंटीबायोटिक्स, ना बैक्टीरिया का डेथ होगा. तो ये कैसे आया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन? याद रखना बच्चा, ये इवोल्यूशन से आया, हमने नहीं बनाया, हम थोड़ी ना बनाएंगे यार, अपने आप म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डेवलप कर गए. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा. चलिए यहां तक क्लियर है? अब देखिए, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, अगर डीएनए को बच्चा स्पेसिफिक जगह से कट करना, ऐसा नहीं कहीं भी, अगर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना है तो कैसे पॉसिबल है सर? कैसे हम डीएनए को काट देंगे स्पेसिफिक? विद द डिस्कवरी ऑफ इस, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि तब तक एक एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुका था जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट मारता था. ठीक, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक, अब जो कटा हुआ डीएनए उसको निकाला गया और उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया, लिंक्ड मतलब अच्छा जोड़ना. दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर, ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ढो करके इकोलाई नाम के होस्ट में ले जाएगा, तो जो ले करके जाएगा उसे कहेंगे बच्चा वेक्टर. तो सर वेक्टर की क्या जरूरत है, डायरेक्टली डाल देते. सर मेरा तो कहना था सर कि मैं तो आसान तरीका आपको बता रहा हूं, ये बैक्टीरिया था, ये प्लाज्मिड थे, आपने बोले प्लाज्मिड को मैंने निकाला और प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन खल दिया और मैं यहां से डायरेक्टली इकोलाई के अंदर में डाल देता हूं. प्रॉब्लम क्या है सर आपको? हाँ प्रॉब्लम है बच्चा, अगर डायरेक्टली तुमने होस्ट के अंदर में इकोलाई के अंदर में डाल दिया तो प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को वहां रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके पास में अपना ओआरआई साइट नहीं है, अपने आप को रेप्लिकेशन करने वाला साइट जो है जहां से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन वो है नहीं,
इसलिए मुझे जरूरी है कि एक मुझे वेक्टर चाहिए, तो मैंने एक बैक्टीरियल या सेल्मोनेला टाइफीमीरियम, उसके प्लाज्मिड को मैंने निकाला, इसी प्लाज्मिड को मैंने कहा वेक्टर। अब मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, जिससे मैंने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को काट करके हटाया, वही एंजाइम को यूज करके सेम जगह से कट मरवाया, खुल गए। अब दोनों को जब जोड़ करके आप डालिएगा, जब जोड़ करके डालेंगे तो यहां पास आराम से पूरा का पूरा वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड भी अपने आप को डबल करेगा, और साथ साथ मेरा फॉरेन जीन यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन भी रेप्लीकेट हो जाएंगे। अकेले डालते तो काम नहीं होता, बच्चा अपने आप को रेप्लीकेट नहीं कर पाता, लेकिन साथ में डाला तो आसानी से अपने आप के नंबर को कर लेगा, रेप्लीकेशन कर लेगा। चलिए देखिए, ये क्लियर हो गया एनसीईआरटी में। अब देखिए सेकंड वेक्टर किसे कहते हैं, एनसीईआरटी ने बोला बच्चा मुझे मलेरिया, तो मॉस्किटो आया, मच्छर आया, मुझे बाइट किया, मेरे ब्लड को सक करेगा, तो उसके अंदर में क्या आ गए सर, उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ गए। अब वो तुम्हें काटेगा, तो मेरे अंदर का प्लाज्मोडियम तुम्हारे अंदर चला गया, तो मच्छर क्या करता है, एक जगह से प्लाज्मोडियम दूसरी जगह पहुंचाता है। उसी तरह से जो वेक्टर होते हैं, एक जगह का डीएनए लिया दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसी को कहते हैं वेक्टर डीएनए। चलिए अब देखिए सीखे, ए प्लाज्मिड कैन बी यूज एज ए वेक्टर। सर क्या केवल प्लाज्मिड ही वेक्टर की तरह काम करते हैं? नहीं बच्चा, बहुत सारे ऐसे, जैसे एनसीईआरटी में बच्चा बैक्टीरियोफेज का भी नाम लिखा है, हम आगे में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट बच्चा प्लाज्मिड ही होता है। चलिए अब क्या करें, कैन बी डिलीवर एलियन पीस, मतलब सर तुमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कहाँ डाला है बच्चा, इकोलाई में, इकोलाई के लिए तो ये लाइफ में पहली बार ऐसा जीन देख रहे हैं, तो जो फॉरेन डीएनए बाहरी डीएनए उस बैक्टीरिया के लिए तो अजूबा है, उसने पहली बार ऐसा डीएनए देख रहा है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाला, तो जो फॉरेन जीन आ रहा है उसी को उन्होंने कहा एलियन डीएनए यानी कि अजूबा डीएनए, बाहरी डीएनए। तुम अब मार्स पे चले जाओ तो तुम मार्स के लिए क्या होगे, एलियन होगे ना, तो यही बोल रहा है कि हमने वहां से जीन निकाला और किसी दूसरे स्पीसीज में डाल दिया, उसके लिए तो अजूबा ही है। चलिए द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल, तुम लोगों ने बोला आंसर, विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज से जोड़ दीजिए, विच एक्ट एज ए कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर इन, दोनों जुड़ गए, दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो। हमने बाहर में बनाया बच्चे, हमने लैब में दोनों डीएनए को निकाला, जोड़ा, बाहर में बनाया, ये सब सारे चीज बाहर में कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू इकोलाई, आ गया बच्चा बात, इकोलाई के अंदर डाल दिया, ये बैक्टीरियम क्लोजली, क्यों डाला इकोलाई में सर, क्योंकि वो सेल्मोनेला टाइफीमीरियम के क्लोज, उसी की तरह रिलेटेड था, उसी की तरह दिखता था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसी से रिलेटेड वाले में ही डाला। इट कुड रेप्लीकेट, ये अपने आप को रेप्लीकेट करेगा यानी अपनी कॉपीज बनाएगा, यूजिंग द होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, होस्ट के अंदर के एंजाइम को यूज करके अपना रेप्लीकेशन करा रहा है, अपना कॉपी बना रहा है, एंड मेक मल्टीपल कॉपीज यूजिंग द न्यू, ठीक है, दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन के कॉपी बनने लगे, इट इज कॉल्ड द क्लोनिंग, इसी को कहते बच्चा जीन क्लोनिंग, ठीक है। अब बताइए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब यू कैन हिंस इनफेयर दैट देर आर थ्री बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, मुझे किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डीएनए डालना है, उसका जीन्स को मॉडिफाई करना है, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले वो जीन निकालना है, डिजायरेबल जीन जिसे मुझे निकालना है, जैसे एंटीबायोटिक जीन मुझे निकालना है, उसी को कहेंगे डिजायरेबल जीन, या बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे मुझे काम करना है उस जीन पे। सेकंड इंट्रोडक्शन इन द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब मुझे उसे होस्ट के अंदर डालना है, किसके हेल्प से, वेक्टर के हेल्प से डालोगे, वेक्टर साथ जोड़ के डाल दो। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, अब वो बैक्टीरिया के अंदर तो चला गया, लेकिन उस बैक्टीरिया को अब अच्छे से मेंटेन करके ग्रो कराइए, उसके नंबर को मल्टीप्लाई कराइए, तेजी से उसका डिवीजन होगा, तभी तो हमारे अंदर का जो डीएनए गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसका भी मल्टीप्लीकेशन आसानी से होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, जो आपके डीएनए को भेजा है इनटू द होस्ट, होस्ट में, एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, अब वो प्रोजेनी जब वो डिवाइड करेगा अपने जो बच्चे बनाएगा यानी नए बैक्टीरिया तैयार होंगे उनमें भी वो डीएनए ट्रांसफर होगा, तभी तो हमारा जीन क्लोनिंग हो पाएगा। चलिए
अब मैक्सिमम बच्चों को ये वाला बच्चा इस टॉपिक में इश्यू होता था, क्या आप लोगों को 100% क्लियर आ गया? बताओ तो 100% वाला, ऐसे नहीं बच्चा केवल नाम का नहीं, बताओ 100% वाला किसी किसी क्लियर हो गया? अब बताओ एड्रेस करो, पढ़ते तो सभी लोग थे बच्चा, लेकिन कंफ्यूजन होता था ना हमेशा, हमेशा कंफ्यूजन होता था किसका डीएनए निकला, किसमें जोड़ा, कहां डाला, क्यों डाला। ठीक है, तो मेरे से 100% सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, आसान सा टॉपिक। ठीक है, अब यानी सर हमें आरडीटी यानी कि मुझे आरडीटी करना है, ठीक है, तो सर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? बोली बताइए, मुझे आरडीडी करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? सिंपल सिस्टम, आपके पास में बच्चे ये सेल है, ये सेल है, और सेल के अंदर में ये बच्चा आपका डीएनए, ये डीएनए मान लीजिए, ये डीएनए के अंदर में ये बच्चा इंसुलिन जीन है, मान लीजिए बच्चा ये इंसुलिन जीन, ये इंसुलिन जीन। तो सबसे पहले आपको करना क्या क्या है कि सबसे पहला स्टेप है कि आप इस सेल को ब्रेक डाउन कीजिए, लाइसिस कीजिए, तोड़िए, सेल का लाइसिस कीजिए, तोड़िए, उसके अंदर के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आरएनए सबको हटाइए, यानी सेल का डाइजेशन करा दीजिए, लाइसिस करा दिया, तोड़ दिया, और उनके अंदर से पूरे के पूरे डीएनए को निकालिए। ये बच्चा पहला स्टेप होना चाहिए, इसी को कहेंगे हम लोग पहला बच्चा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, या बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल, जीएम मतलब बच्चा जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चा? कोई डाउट नहीं, हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल बच्चा आरएनए होते हैं, बाकी मैक्सिमम केस में कौन है? डीएनए। कुछ वायरस में, कुछ वायरस जैसे कोरोना वायरस, उसमें कौन है? आरएनए। तो सबसे पहले आपको डीएनए का, अब डीएनए के अंदर में यहाँ पास तो आपके एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, मान लीजिए यहाँ पर इंसुलिन जीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टेप नंबर टू, ये स्टेप नंबर वन है बच्चे, स्टेप नंबर टू आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है समझिएगा ध्यान से, इधर देखिए, ये बच्चा आपका डीएनए, और मुझे नहीं मालूम बच्चा कि आपका इंसुलिन जीन कहां पास, मुझे कैसे मालूम? डीएनए बहुत छोटा होता है, उसमें जीन तो बहुत छोटे होंगे, तो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे ही डाला तो ये एंजाइम बच्चा पूरे डीएनए को स्कैन करता है, पूरे डीएनए के ऊपर घूमेगा, पूरे डीएनए पे स्कैनिंग करेगा, और जहां पर उसे स्पेसिफिक लोकेशन मिला, सर स्पेसिफिक लोकेशन मतलब हर जीन, हर एंजाइम का स्पेसिफिक लोकेशन होता है, जिसे बच्चा आप कहते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हर एंजाइम का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जैसे आप कहते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आपने पढ़ा है बच्चा। मान ली ये ई कोर वन एंजाइम है, मान ली बच्चा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम ई कोर वन, तो ये पूरे डीएनए में ढूंढेगा कि कहां कहां पास बच्चा सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी है, जहां पास उसे बच्चा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखा, जी ए टी टी सी दिखा, वही पास वो डीएनए को कट मार देगा। तो मान लीजिए कि उसे यहां यहां दिखता है, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, तो उसने वहां वहां से डीएनए को कट मार दिया। अब यहां पास डीएनए के कई सारे फ्रैगमेंट्स बन गए, और इसी फ्रैगमेंट के अंदर में आपका जिसपे आपको काम करना है ना, जिसपे काम कर रहा है बच्चा, वहां छुपा हुआ है। तो आपने क्या कर दिया बच्चा, डीएनए का डाइजेशन करा दिया, डीएनए को जब डाइजेस्ट कर दिया, काट दिया, किसके हेल्प से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब यहां पर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए बन गए, ढेर सारे फ्रैगमेंट बन गए। अब क्या करोगे? हमें पता है क्या कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का है? क्या तुम्हें पता है इंसुलिन जीन का है? तो अब हमें बच्चा उसमें से आइसोलेट करना है। इसके लिए हम थर्ड स्टेप में जाएंगे जिसका नाम है बच्चा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बोले ये क्या करता है सर? एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को सेपरेट करने में काम आता है। क्या सेपरेट करने बच्चा? डीएनए को किस बेसिस? साइज के बेसिस पे। तो डीएनए को साइज के बेसिस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। कौन सा टेक्निक है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और इसी के सेपरेशन के बाद, इसके सेपरेशन के बाद में हमें मान लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, आपने अच्छे से पढ़ा है ये पूरे टेक्निक को, हमने बच्चा अभी ओवरऑल पढ़ते हैं फिर डिटेलिंग करेंगे। फोरेसिस कराया और हमें बच्चा मुझे मिल गया ये जेल है, डिटेल में हम जाएंगे कि यहां पास बच्चा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है यही है बच्चा, हम क्या करेंगे जेल को कट करेंगे और वहां से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। सर निकालने के प्रोसेस को हम पढ़ेंगे बच्चा, पूरा डिटेल में जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जेल को काट करके निकाल लेंगे जिसे हम बच्चा इल्यूशन कहते हैं, याद आया किसी को, एनीवन याद आया बच्चा लोग, इल्यूशन इसे कहते हैं, ठीक सर। अब क्या करेंगे, क्या बच्चा ये हमने जीन निकाल लिया डायरेक्टली इकोलाई में डाल दे क्या वहां काम करेगा, यस या नो बोलो। सर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर अपना इसके पास में ओआरआई साइट थोड़ी ना है, अपना रेप्लिकेशन तो कर नहीं सकता। तो बताइए मुझे ये बच्चा इस बैक्टीरिया के अंदर में, इस बैक्टीरिया के अंदर में बच्चा ये भेजना है तो क्या यूज करेंगे भाई? तो सर सबसे अच्छा आपके पास में एक तरीका है कि आप बच्चा एक वेक्टर ढूंढ लो, वेक्टर ढूंढ लो, और सबसे आसान सा वेक्टर है बच्चा, सबसे आसान सा वेक्टर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्लाज्मिड। हमने प्लाज्मिड कैसे ले लिया, अब प्लाज्मिड ठीक है उसको भी हमने कट मारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कट होने के बाद में ये खुल गया, और अब हम लोग क्या करें डीएनए लाइगेज के लिए ना इस वेक्टर के अंदर में इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दे। हो गया बच्चा आपका कौन सा डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए। अब इसको यहां डालना है, अब आप बैक्टीरिया के अंदर डालिएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए भाई यहां चला गया, सर गया नहीं गया कैसे पता चलेगा, हाँ ये बड़ा झंझट है सर। मान लीजिए सर दो बैक्टीरिया है, मान लीजिए सर दो बैक्टीरिया है, सर बैक्टीरिया ए के अंदर में नहीं गया और बी के अंदर में गया, मुझे कैसे पता चलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर किस बैक्टीरिया के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये आखिर पता कैसे चलेगा। इसके लिए हमें कुछ बच्चा सिलेक्शन यूज करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करें पड़ेंगे कि हमें सिलेक्ट करेगा कि भाई ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं है, तो भी एक तरीका है। उसके बाद में हम लोग इसे मान ले बच्चा बी के अंदर में इंटर कर गया, हमें पता चल गया ठीक है, इसे हम लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे। सर कहां ग्रो करें लार्ज स्केल में, तो आपको बच्चा यहाँ पर एक टॉपिक आएगा बायो रिएक्टर, नाम सुना है ना आपने ना, बायो रिएक्टर में हम लोग एक मान लीजिए बच्चा मशीन है, बड़ा सा वेसल है, मे बी हजारों लीटर का हो सकता है बच्चा, 100 to 1000 liter बड़ा सा वेसल है, ड्रम दूध वूध जाने वाला टैंकर देखा है, पानी टैंकर देखा है वैसा होता है। अब उसके अंदर में हमें लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो बैक्टीरिया का जब लार्ज स्केल में ग्रो होगा ना, तो बैक्टीरिया लार्ज स्केल में ग्रो करेगा तो अंदर में क्या बनेगा, इंसुलिन हार्मोन बनेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस को अब लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, कहां बायो रिएक्टर में। अब बैक्टीरिया लार्ज स्केल में हार्मोन बना दिया, उसके अंदर से बच्चा अब हमें उस हार्मोन को निकालना है, उसे प्यूरिफाई करना है, फिर उसको पैकेज करके यूज करना है। तो एनसीईआरटी इसी टॉपिक को कहेगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, आपके एनसीईआरटी इसी को कहेगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कुछ याद आया आप लोगों को? यस सर। ये था ना, ठीक है। तो क्या क्या था देखो कहानी के तरह, कहानी के तरह सबसे पहले जिस जीन पे तुम्हें काम करना है उसे कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालिए, ठीक है भाई। सर कैसे निकाल लें? तो आप डीएनए को काटिए, सेल को तोड़िए, वहां से पूरा डीएनए निकालिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटिए, उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनाइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कीजिए, वहां से डीएनए को निकालिए भाई। तो पहला स्टेप है हमें वो जीन को ढूंढना है, डीएनए को काटना है, फिर वहां से निकालना है। चलिए भाई बड़ा डिफिकल्ट काम है। दूसरा काम है कि मुझे अब बैक्टीरिया में डालना है, डायरेक्टली डाल नहीं सकते तो हमें क्या चाहिए बच्चा, वेक्टर, वेक्टर के साथ में उसे जोड़ना है, उसके लिए एंजाइम चाहिए डीएनए लाइगेज। तो हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर हम बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सर कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन? बहुत सारे तरीके बच्चे,
पढ़ोगे जीन गन मेथड है, कुछ माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, हीट एंड शॉक मेथड है, कई सारे मेथड है एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद में हमें लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो करना है। हम लार्ज स्केल में बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे सर, कहाँ बैक्टीरिया को कहाँ ग्रो करते हैं? तो इसके लिए आपको बड़ा सा वेसल्स लेना पड़ेगा जिसका नाम आपको बायो रिएक्टर है। वहां प्रॉपर आप ऑक्सीजन दो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट दो, प्रॉपर टेम्परेचर दीजिए, बैक्टीरिया लार्ज स्केल में ग्रो करेगा। और उसके बाद में लार्ज स्केल में अगर ग्रो करेगा तो लार्ज स्केल में हमारा हार्मोन भी बनेंगे। हाँ, अब इस हार्मोन को आपको बैक्टीरिया से निकालना है, उसको प्योर फॉर्म में लाना है, फिर उसको पैकेज करके यूज करिएगा। तो इसे एनसीईआरटी ने कहा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो यही तो स्टेप। तो आप बताइए फटाफट स्टेप बताइए, क्या क्या हमने सीखा? सबको याद हो गया? फटाफट हैंड रेज करो, क्या सभी को स्टेप हो गया? बोलो फटाफट, किसे किसे बच्चा कहानी की तरह देखो, तुम रटोगे कोई फायदा है? कैसे एनसीईआरटी मिलेगा हम ऐसे याद करना नहीं, आप स्टेप वाइज समझो तो चीजें क्लियर है, ठीक है? क्योंकि अब इसी के हम लोग डिटेलिंग करना है, इसी चीज को बच्चा हमें डिटेल में एक एक स्टेप को क्लियर से पढ़ना है कि पहले डीएनए निकालिए, फिर डीएनए को काटिए, फिर डीएनए को हम फ्रेगमेंट के बेसिस पे अलग अलग करेंगे, फिर वहां से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे, फिर वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, फिर बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर उसे हम होस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है? अब होस्ट को लार्ज स्केल में ग्रो कराएंगे, जब ग्रो करेगा तो लार्ज स्केल में हार्मोन बनेगा, वहां फिर हम लोग उसे आइसोलेट करके प्यूरिफाई करेंगे और जिससे कि हमें लार्ज स्केल में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिल जाएंगे, जिसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहने वाले, ठीक है? तो यही बच्चा आपको डिटेल करना है। तो पहला स्टेप आप देखिए एनसीईआरटी में ऐसे स्टार्ट किया, एनसीईआरटी थोड़ा रैंडम लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग डिटेल से करने वाले, देखिए, ठीक है? ये आपको है बच्चा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैसे करना है, ये पूरा डिटेल सब करेंगे, अब सभी को हम लोग को डिटेल में करना है। वेक्टर के क्या क्या गुण होने चाहिए, हम वेक्टर किसे मानेंगे, चलिए भाई। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हम डीएनए को पहले कैसे सेल के अंदर से निकाले, सेल को तोड़ करके डीएनए आखिर कैसे निकाला जाएगा, इसी का नाम है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। चलिए तो सबसे पहला स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, चलो करें स्टार्ट। मेरे से ये क्लास एंड नहीं हो रहा है, यानी कि ठीक है 10 मिनट से कम से कम यहां तक कर लेंगे। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछू आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछू, आज तो पहला दिन है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, फिर अगले क्लास में डिटेलिंग करें। चल क्वेश्चन पूछ दो। चल ये बताओ, सबसे पहली बार वर्ल्ड लेवल पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस दो साइंटिस्ट ने बनाया था? सबसे पहली बार किस दो साइंटिस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था? चलो फटाफट बोलो। आंसर इज द कोहेन एंड बोयर, ठीक है? कोहेन एंड बोयर, ठीक है? चलिए कब बनाया था, डेट बताइए। हाँ अभी याशिका निकले का है 50 ईयर एगो, चलिए भाई ये भी तरीका याद करने का है, 1972, ठीक। तो उसने क्या किए थे, टेक्निक क्लियर है। उन्होंने बच्चा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कहां से आइसोलेट किया था, जिसे तुम कहते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे उन्होंने वर्कआउट किया, उन्होंने वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन किस बैक्टीरिया से निकाला था, बोलो किस बैक्टीरिया से निकाला था? मैंने आंसर बहुत अच्छे से बताया था, तो बच्चा वो नाम कहीं नहीं दे रखा है, अननोन बैक्टीरिया, नाम मेंशन नहीं है, अननोन बैक्टीरिया। चलिए फिर उन्होंने बच्चा जो वेक्टर निकाला था, प्लाज्मी निकाला था, वो कहां से निकाला था? सैल्मोनेला टाइफी। चलिए अब बताइए जो प्लाज्मीड होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है या लीनियर नेचर के होते हैं? प्लाज्मीड सर्कुलर नेचर का होता है या लीनियर नेचर के होते हैं? सर्कुलर। क्या रेप्लिकेशन वो मेन डीएनए के हेल्प से करता है या ऑटोनोमस करता है? क्या मेन डीएनए के हेल्प से इनका रेप्लिकेशन होता है या ऑटोनोमसली अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं? ऑटोनोमस, खुद अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। चलिए प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड है? प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है? डबल स्ट्रैंडेड। प्लाज्मिड का नंबर बताइए, मैंने बोला नहीं था लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना, प्लाज्मिड का नंबर बताइए, वन, मोर देन वन या इट डिपेंड्स? नहीं बच्चा वन बोलना गलत है,
क्योंकि अपना नहीं बचा, अपना ओआरआई साइट है, अपना ओआरआई साइट है तो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। तो कुछ आपने पढ़ा है, कुछ जगह पे कुछ बैक्टीरिया में, देखिए ध्यान से, कुछ बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मिड का नंबर 1 to 4 हो सकता है और कहीं कहीं पे 15 to 100। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आपको सामने में क्या दिख रहा है, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दे हैव हाई कॉपी नंबर इन देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल, सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, कुछ में तो एक या दो हो सकते हैं क्योंकि खुद रेप्लिकेट कर सकता ना, वेयर एज अदर मे हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल, देयर नंबर कैन गो इवन हायर। तो इसका नंबर बच्चा हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, कुछ बैक्टीरिया के अंदर में तेजी से डिवाइड करेगा हाई कॉपी नंबर, किसमें लो कॉपी नंबर हो, क्योंकि खुद अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हैं। चलिए अब मुझे डीएनए को काटना है, तो मुझे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है, उसके लिए मुझे स्पेशल एंजाइम चाहिए नाम का, मुझे डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट मारना है तो मुझे उसके लिए स्पेशल कुछ एंजाइम चाहिए। बोलिए कौन सा एंजाइम है बच्चा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है बच्चा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब बताओ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को रैंडम साइट से कट मारेगा या स्पेसिफिक साइट से, रैंडम साइट से कट करेगा या स्पेसिफिक साइट से कट करेगा, तो आंसर इज स्पेसिफिक साइट। और जो स्पेसिफिक साइट है वो कैसा नेचर का होता है, हाँ याशिका ने आंसर दिया, जो स्पेसिफिक साइट है वो नेचर वाइज कैसे होते हैं बच्चा, पैलिंड्रोमिक होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैंने बताया नहीं लेकिन तुम्हें याद होने चाहिए, अभी तक कितने टोटल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं, एनीवन एनसीईआरटी का लाइन, अभी तक कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं, एनीवन एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, नहीं 230 स्ट्रेन है, मैं एंजाइम पूछ रहा हूं, मोर देन 900 किसी बच्चे को मिला था 900 है, तो बच्चा भूलना कैसे, अभी प्री बोर्ड देके आए हो तुम लोग ना, आपको मिला बच्चा यहाँ पर देखिए 900 कहीं पास ऐसा टॉपिक मिला आपको, मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन, याद आ गया। चलो क्या सभी बच्चों को नेमिंग आता है, क्या सभी बच्चों को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग आता है, यस या नो में बताना, ठीक है, अगर नेमिंग आता है तो मुझे फटाफट बताइए बच्चा, ई कोर वन का नेमिंग मुझे करना है, ई कोर वन का मुझे नेमिंग करना है, तो बताइए पहला लेटर बच्चा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पहला लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ई फोर, तो बच्चा नेमिंग करने के लिए रूल है जो पहला लेटर है बच्चा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सेकेंड टू लेटर बताइए किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड टू लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट, स्पीसीज को। चल ये बच्चा जो आपका फोर्थ लेटर है ये जरूरी नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था किसी में लिख भी सकते हो किसी में नहीं लिख सकते, जैसे बच्चा PVU1 लिख दिया तो यहाँ पर कहाँ लिखा, नहीं लिखा बच्चा फोर्थ लेटर, तो ये बच्चा है स्ट्रेन। अब बोलेंगे सर स्ट्रेन क्या होता है, सर स्ट्रेन क्या होता है, देखिए कोरोना वायरस का कई सारे स्ट्रेन है, कोरोना वायरस को मान लीजिए एक स्पीसीज है, उसके अलग अलग फॉर्म बच्चा, डेल्टा फॉर्म, ओमिक्रॉन, तो ये फॉर्म वो फॉर्म कई सारे आते हैं ना, तो ये बच्चा उसके नए नए फॉर्म, जैसे कि आम, आम के बच्चे कई सारे वैरायटी होती है, तो प्लांट के केस में एक स्पीसीज के कई तरह के फॉर्म होना वैरायटी, एनिमल में बोलते बच्चा सब स्पीसीज, जैसे डॉग के कई सारे डॉग एक स्पीसीज है लेकिन अलग अलग तरह के डॉग आपको दिखते हैं, तो इसे कहते हैं सब स्पीसीज। और माइक्रोब्स में यानी बैक्टीरिया फंगस वायरस में एक ही स्पीसीज के कई सारे फॉर्म का होना बच्चा स्ट्रेन कहलाता है, यानी उनके अंदर थोड़े डीएनए चेंज होंगे, है तो एक ही स्पीसीज लेकिन अलग अलग वैरायटी, इसे क्या कहेंगे बच्चा स्ट्रेन। आगे बात समझ में सभी को, जैसे आपने वायरस का नाम सुना है, वायरस के कई सारे स्ट्रेन आ गए, है तो कोरोना लेकिन अलग अलग फॉर्म आना। चलिए वन का मीनिंग कोई बच्चा बताएगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज रहते, बताइए जो वन है वो क्या, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी या ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, तो कंफ्यूज नहीं करना है सर, आइसोलेशन मतलब बताया है। ये मान लीजिए ये आपका इकोलाई नाम का बैक्टीरिया है, इकोलाई नाम का बैक्टीरिया है, और सबसे पहली बार ये एंजाइम बच्चा आपने आइसोलेट किया तो इसका नाम दे देंगे बच्चा इकोर वन, क्योंकि सबसे पहली बार आपने ये वाला एंजाइम आइसोलेट किया। एक साल के बाद कोई और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस एंजाइम को आइसोलेट किया, इसको नाम दे देंगे बच्चा इकोर टू ना। अब 3 महीने के बाद में किसी और ने नया एंजाइम यहां से निकाला तो नाम दे देंगे इकोर 3,
E core 4, E core 5, तो एक स्ट्रेन से कई सारे एंजाइम आइसोलेट किए जा सकते हैं, और जैसा ऑर्डर होगा, वन है तो वन नाम दीजिए, टू है तो टू नाम दीजिए, तो बड़ा आसान है। जैसे बच्चे E core 5, समझ में आया सभी को? E core 5 नाम समझ में आया? ये बच्चा आइसोलेशन का ऑर्डर है। चलिए, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? एनीवन, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा डिस्कवर्ड हुए थे? एनीवन बोलो सर, आंसर इज द, बोलो, हाँ तुम लोग को याद है, बोलिए। हिंड टू। तो सर हिंड टू का नाम हिंड वन रखना चाहिए था, गलत है क्या? सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर बच्चा हिंड टू है तो टू क्यों नाम दिया सर? हिंड वन होना चाहिए था ना। चलिए सर, ये तो समझ में आया, H4 हीमोफिलस जीनस है, IN इन्फ्लुएंजा स्पीसीज है, D स्ट्रेन है, तो सर टू ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है ना, तो सर ये पहला, ठीक है, तो सर डिस्कवर्ड ये हिंड वन होना चाहिए था, तो कहानी क्या है? हिंड वन से बच्चे याद है कि हिंड, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरिया, उनमें से सबसे पहली बार ये एंजाइम बच्चा आइसोलेट किया गया, तो नाम पड़ा हिंड वन, ये बच्चा हिंड वन, ठीक है। और एक था बच्चा यहां पास, एक एंजाइम था जो सबसे पहले साइंटिस्ट को दिखा, सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा, सबसे डिस्कवर्ड बच्चा ये नीला वाला है, सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन हुआ? ये नीला वाला, लेकिन वो प्योर फॉर्म में आइसोलेट होने में बच्चा 5 साल टाइम लग गए। तो मान लो बच्चा ये 1960 में साइंटिस्ट को दिखा, तो सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन हुआ? नीला वाला, लेकिन आइसोलेट हुआ बच्चा 1965 में, उससे पहले बच्चा 1962 1963 में ही ये वाला येलो वाला आइसोलेट किया गया, तो आइसोलेशन येलो वाला का सबसे पहले हुआ, उसका नाम पड़ा हिंड वन, और इसका देखा गया तो पहले, लेकिन बच्चा आइसोलेशन तो बाद में हुआ ना, इसलिए आइसोलेशन के बेसिस पे ये क्या है भाई, सेकंड नंबर पे, लेकिन साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार तो देख लिया था, ऐसे समझ लो सलमान शाहरुख खान ने, और ये बच्चा आपका मान लो रणवीर कपूर, ठीक है, दो एक्टर। अब यहां पास एक डायरेक्टर बच्चा करण जौहर, ठीक है, करण जौहर, उसने सबसे पहली अपनी मूवी, मान लो फर्स्ट मूवी उसने बच्चा शाहरुख खान के साथ बनाई, तो करण जौहर से पूछा जाएगा भाई आपकी फर्स्ट मूवी किसके साथ आपने काम किया, फर्स्ट मूवी किसके साथ, कौन एक्टर था, तो बोलेगा शाहरुख खान, और सेकंड नंबर पे कौन थे, रणवीर कपूर। मान लो बच्चा, मान लो कि ये 2000 में बन, लेकिन किसी कारणवश शाहरुख खान ने सबसे पहले मूवी कंप्लीट की, किसी कारणवश बच्चे वो रिलीज नहीं पाया ना, ये रिलीज हुए बच्चे 2005 में, और रणवीर कपूर की मूवी बनी थी 2001 में, लेकिन रिलीज बच्चा 2003 में हो गई। तो देखा, मूवी बनाया था, मूवी बनाना अलग प्रोसेस, रिलीज होना अलग प्रोसेस, कंफ्यूजन नहीं होगा, यही हुआ था, एंजाइम डिस्कवर्ड तो हो गया था नीला वाला, लेकिन बच्चा प्योर फॉर्म में आइसोलेट होने में 5 साल लग गए, तो आइसोलेशन के बेसिस पे तो बाद में आया, नाम पड़ा हिंड टू, उससे पहले आइसोलेट कौन हो गया, हिंड वन। क्या ये सभी को क्लियर कट आ गई समझ में? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर हिंड टू क्यों नाम दिया, हिंड वन नाम देना था, याद करो। चलो यहां तक याद रहेगा सभी को, ठीक है, डन, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब ये मुझे बताओ कि डीएनए को जोड़ने के लिए बच्चे कौन सा एंजाइम चाहिए, दो डीएनए को, अलग अलग डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, बोलो फटाफट, बहुत आसान है, डीएनए लाइगेज। चलिए अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर डालना है, हमें एक नए डीएनए की, हाँ, मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, होस्ट के अंदर डालना है, बोले प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों नाम पड़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन, एनीवन, कोई बच्चा बता सकता है ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नाम पड़ा? सोचो, थोड़ा दिमाग का दरवाजा चलाओ, देखिए ये बच्चा मान लीजिए ई कोलाई नाम का वैक्टर है, इसके पास अपने डीएनए, डीएनए अपने अपना काम कर रहा है बच्चा, तुमने जबरदस्ती इसके अंदर में ये डीएनए डाल दिया, तो इसके अंदर में बच्चा डीएनए कैसे आ गए, अलग तरह के आ गए ना, तो इसके अंदर में भी कुछ बदलाव आ जाएगा, डीएनए ही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो नया डीएनए आया, नया तरह का कैरेक्टर आ गया, तो अपने अंदर कुछ बदलाव लेते आया, इसीलिए तो हो गया बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर में बदलाव लेते आया। तुम्हारे अंदर कोई, मैं मान लो बच्चा गधे का डीएनए डाल दू,
तुम बच्चा गधे की तरह सोचने लगे, तो बोलेंगे तुम्हारा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यार, गधे की तरह हो गए हो, तो यही बच्चा तुम्हारे अंदर में मैंने कोई डीएनए डाल दिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए ठीक है, अब बताइए बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो कराना, लार्ज स्केल में बड़े वेसल में ग्रो कराना, बोलो क्या चाहिए, उस बड़े वेसल्स का नाम क्या होगा? ठीक है, बायो रिएक्टर। ठीक है, अब बायो रिएक्टर में लार्ज स्केल में आपने ग्रो करा दिया, अब वहां से उसको आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है, फिर उसको बच्चा पैकेज करके यूज करना है, बोलो प्रोसेसिंग का नाम, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपका होमवर्क में डिसाइड कर देता हूं, आप बच्चा आज जाके बायोटेक का ये चैप्टर बच्चा एनसीईआरटी को बहुत डिटेल से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट वाला बच्चा है 199 पेज नंबर पे और 200 वाला पीबीआर 322 का कॉन्सेप्ट। तो अगले क्लास में हम लोग बच्चा पीबीआर 322 का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी डिटेल से करने वाले हैं, क्योंकि बच्चा आप लोगों को दिक्कत यही पास होती है, याद करो तुम्हें बच्चा सब कुछ आता है लेकिन ये टॉपिक पेज नंबर 198 नहीं आता, 199 नहीं आता, सर बड़ा प्रॉब्लम है, और तुम्हें दिक्कत कहां होता है सर, ये कलर वाले में, इंसर्शन इनएक्टिवेशन में, ब्लू कलर व्हाइट कलर में। तो अगला पूरा क्लास बच्चा हम यहाँ देने वाले, पूरी एक क्लास लगेंगे, तो हम पूरा क्लास बच्चा इसी को देंगे कि हमें वेक्टर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसी में सभी लोग का प्रॉब्लम हो। चलो ठीक है, तो मेरे में से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हमारा टाइम हो गया, सर आगे होंगे आपके। चलो ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, तो आप बच्चा एनसीईआरटी एक बार रीड कीजिएगा, जो भी डिफिकल्टी हो ग्रुप में डाल दिया करो या डायरेक्टली मुझसे पूछा करो, कुछ बच्चे तो पूछते भी है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं बच्चा, जहां डिफिकल्ट है उस पर ज्यादा टाइम देंगे, और जो इजी है जल्दी करेंगे कि तुम बोर ना हो जाओ। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।